भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव पहली बार इतने बोल्ड और बिंदास अंदाज में नजर आईं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव की पत्नी तो गांव की रहने वाली हैं, तो वो किस तरह से बोल्ड और बिंदास हुई। भाई हम बताते हैं, खेसारी लाल यादव का जन्मदिन था 15 मार्च को और 15 मार्च की ये पूरी पार्टी चंदा यादव ने ऑर्गेनाइज की थी। आपको ये बता दें कि ये सारा कुछ चंदा यादव ने सीक्रेटली प्लान किया ताकि खेसारी लाल यादव को इसकी भनक न लग पाए। जैसे ही खेसारी लाल यादव घर आए, चंदा यादव ने ये सीक्रेट ओपन किया कि आज उन्होंने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। इसकी पुष्टि खुद खेसारी लाल यादव ने की कि उन्हें पता नहीं था कि चंदा यादव ने उनके लिए इतना कुछ किया है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि अगर एक पत्नी पति के लिए सब कुछ करे तो बोल्ड और बिंदास कैसे। तो हम बताते हैं बोल्ड और बिंदास कैसे। एक्चुअली हुआ यूं कि खेसारी लाल यादव इससे पहले कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया करते थे और ना ही वो घर पर कोई तामझाम रखते थे। इससे पहले खेसारी लाल यादव अपने बच्चों का ही जन्मदिन मनाया करते थे और सभी लोगों को बुलाकर सभी के सामने एक बड़ी पार्टी दिया करते थे, लेकिन इस बार चंदा यादव ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। इस बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के बाद भी खेसारी लाल यादव के लिए चंदा यादव ने महंगा गिफ्ट भी रखा था और साथ ही साथ इस बर्थडे पार्टी में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे खेसारी लाल यादव हर्ट हो, इसका ध्यान चंदा यादव ने बखूबी रखा। ये सारे तो हमने आपको क्वालिटीज गिना दी। अब आइए बात करते हैं बोल्ड और बिंदास तरीके से। कभी भी खेसारी लाल यादव के लिए चंदा यादव ने सामने आकर कुछ नहीं बोला है, लेकिन इस बार उन्होंने बोला। भले ही थोड़ी उसमें शर्म थी, लेकिन खेसारी लाल यादव के लिए चंदा यादव ने किसी भी तरह की कोट कसर नहीं छोड़ी। भले ही शर्माते हुए, बड़े प्यार से ही चंदा यादव ने लोगों के सामने ये व्यक्त किया कि उन्होंने खेसारी के लिए उनका गिफ्ट बहुत पहले ही सोच लिया था, लेकिन उन्हें बताया नहीं था। साथ ही साथ चंदा यादव ने इस बात का बखूबी ख्याल रखा कि खेसारी लाल यादव जो ज़्यादातर पार्टियां अपने लिए नहीं करते, उन्हें इस पार्टी में हर तरह से मजा आए। और ये हुआ भी, खेसारी ने इस बात की पुष्टि की कि खेसारी को ये पार्टी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज तक उनके लिए ऐसी सरप्राइज पार्टी कभी किसी ने नहीं दी थी। अब बात करते हैं उनके बिंदास अंदाज की। यहाँ पर आपने ज़्यादातर मौके पर देखा होगा कि खेसारी लाल यादव की पत्नी ज़्यादातर साड़ियों में नज़र आती हैं। पब्लिक अपीयरेंस में वो कभी भी ऐसे अटायर को नहीं पसंद करती जो कि उन्हें अनकम्फर्टेबल फील कराए। यहाँ पर खेसारी लाल यादव की पत्नी ने अपने अटायर यानी कि अपने कपड़ों का भी बखूबी ध्यान रखा और इस बार वो काफ़ी मॉडर्न लग रही थी। पहले जो उनका ट्रेडिशनल लुक था, उस लुक से ये काफ़ी हटकर लग रही थी, जो कि उन पर सूट भी हो रहा था। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।